देखिए बहुत आसान है, क्या क्या चीज आपको यहां पर नजर रखनी है उस पर ध्यान से सुनिए। इफ इन्फ्लेशन इज देयर इन द इकोनॉमी, यानी कि इन्फ्लेशन है, महंगाई अर्थव्यवस्था में ऑलरेडी है, ठीक है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बहुत ज्यादा है अर्थव्यवस्था में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट बढ़ा देगा। रेपो रेट क्या करेगा? बढ़ा देगा, इट विल इंक्रीजेस द रेपो रेट। जैसे ही रेपो रेट बढ़ाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या हो गया है? बैंक्स के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेना महंगा हो गया, ठीक है। बैंक्स के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेना महंगा हो गया, यानी कि अब बैंक्स के पास ज्यादा पैसे नहीं है, ज्यादा पैसे नहीं है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन भी नहीं ले पाएंगे, लोन भी नहीं ले पाएंगे। ऐसे में अगर आम जनता बैंक के पास जाएगी लोन लेने के लिए, तो बैंक भी उन्हें बहुत ही महंगे इंटरेस्ट रेट पर लोन्स देंगे, बहुत ही महंगे इंटरेस्ट रेट पर लोन्स देंगे। और अगर महंगे इंटरेस्ट रेट पर आपको और मुझे लोन मिल रहा है, तो क्या हम लोग लोन लेंगे? हम लोग लोन लेना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो द लोन टेकन फ्रॉम द बैंक्स विल बिकम क्या होगा? मोर कॉस्टलियर। और ऐसे में क्या होगा, हम और आप लोन नहीं लेंगे। जब हम और आप लोन नहीं लेंगे, तो डिमांड फॉर द लोन्स इन द इकोनॉमी क्या होगी? डिक्रीज करना शुरू कर देगी। और जब ये चीज होगी, जब लोन्स की डिमांड डिक्रीज करेगी इकोनॉमी में, तो इसका मतलब क्या होगा? फाइनली कंजम्पशन जो होगा वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। कंजम्पशन यानी कि जो भी आप और हम चीजें का यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी कंजम्पशन की कैपेसिटी क्या होगी? फाइनली रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, यानी कि डिमांड अब रिड्यूस हो रही है। और एक बार डिमांड रिड्यूस करेगी, तो इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो जाएगा। कंजम्पशन विल रिड्यूस एंड दस इन्फ्लेशन विल रिड्यूस। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर महंगाई बढ़ रही है, अगर महंगाई बढ़ रही है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? रेपो रेट बढ़ा देगा, रेपो रेट बढ़ा देगा, ताकि महंगाई को नियंत्रण में लेकर आया जा सके। टू सक आउट द मनी फ्रॉम द इकोनॉमी, ठीक है, टू सक आउट द मनी फ्रॉम द इकोनॉमी। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आएगा प्रीलिम्स का क्वेश्चन, यहां से अक्सर यूपीएससी प्रीलिम्स देता है। और अगर जस्ट इसका रिवर्स हो रहा है, जस्ट इसका रिवर्स हो रहा है, मान लीजिए रिसेशन रिसेशन इज देयर इन द इकॉनमी, इज देयर इन द इकॉनमी, तो क्या किया जाएगा? आरबीआई विल डिक्रीज द रेपो रेट, विल डिक्रीज, ठीक है, द रेपो रेट, ताकि क्या किया जा सके? सो एज टू एनहेंस द डिमांड एंड कंजम्पशन इन इकोनॉमी, एनहेंस द डिमांड एंड कंजम्पशन। क्योंकि जैसे ही रेपो रेट डिक्रीज किए जाएंगे, रेपो रेट डिक्रीज किए जाएंगे, तो लोगों के लिए क्या होगा? लोन लेना सस्ता हो जाएगा, क्योंकि बैंक्स के लिए लोन लेना सस्ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो इवन लोगों के लिए भी क्या होगा? लोन लेना सस्ता हो जाएगा, लोगों के हाथ में क्या आएंगे? पैसे आ जाएंगे। और एक बार लोगों के हाथ में पैसे आ गए, तो वापस डिमांड इन द इकोनॉमी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, क्योंकि क्या होगा? कंजम्पशन बढ़ेगा। तो अगर रिसेशन है, क्या है? रिसेशन है या फिर डिफ्लेशन है। अभी बस ये समझ लीजिए, अगर महंगाई बहुत ही कम है, यानी कि मंदी चल रही है अर्थव्यवस्था में, क्योंकि आप इस टर्म से परिचित हैं रिसेशन, इसलिए मैंने ये टर्म यहां पे लिखा रिसेशन, ठीक है। अगर मंदी चल रही है, रिसेशन है पूरी अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था ठीक से नहीं चल पा रही है ना, लोगों में डिमांड ही नहीं जनरेट हो रही, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट को डिक्रीज कर देगा, रेपो रेट को डिक्रीज कर देगा, ताकि लोन लेना आसान हो जाए। लोन लेना एक बार अगर आसान हो गया, तो क्या होगा? जनता के पास फाइनली पैसे आएंगे, और डिमांड एंड कंजम्पशन विल स्टार्ट राइज, विल स्टार्ट राइजिंग,
इन द इकोनॉमी, और इससे क्या होगा, वापस इकोनॉमी फिर से अर्थव्यवस्था में ठीक से पटरी पर चलना शुरू हो जाएगी। तो ये समझना है कि अगर क्या है, मंदी चल रही है, रिसेशन है, तो आरबीआई क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी रेपो रेट को, रेपो रेट को डिक्रीज कर देगी, और अगर इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो आरबीआई क्या करेगी, रेपो रेट को बढ़ा देगी। चलिए अब मैं नेक्स्ट में जा रहा हूं, रिवर्स रेपो, नहीं तो हम लोग क्या वो डिस्कशन ही करते रह जाएंगे और मॉनेटरी पॉलिसी खत्म ही नहीं होगी हमारी। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरबीआई टेक्स लोन फ्रॉम द बैंक्स, ठीक है, पहला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन कोलैटरल्स, यस, रखवाए जा रहे हैं, देन अगेन शॉर्ट टर्म के लिए, एंड ऑलवेज लेस देन योर रेपो रेट। करेंट में रेपो रेट इज 4% और जो आपका रिवर्स रेपो है वो 3.35% है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में लिंक होते हैं, ठीक है, ये जो दोनों ही रेट हैं आपस में लिंक होते हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो जब भी पॉलिसी अनाउंस होती है तो आरबीआई केवल बोलता है कि रेपो रेट हमने इतना मेंटेन किया है, उसी के हिसाब से रिवर्स रेपो ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा रहा है, अच्छा चले पहले ये लिख लीजिए, फिर मैं वो सारे टर्म्स बोलता हूँ, ठीक है। पहले ये समझ लीजिए यहाँ के टर्म क्या है, इंटरेस्ट रेट है, जिसमें क्या कर रहा है आरबीआई, क्या कर रहा है, लोन ले रहा है बैंक से, आरबीआई लोन ले रहा है बैंक से, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, कोलैटरल रखवाया जा रहा है जीसेक, थर्ड पॉइंट है शॉर्ट टर्म लोन्स, एंड फोर्थ पॉइंट इट इज ऑलवेज लेस देन योर रेपो रेट, ठीक है, ऑलवेज लेस देन रेपो रेट, रिवर्स रेपो, ठीक है। इतना समझ में आ गया रिवर्स रेपो के बारे में कि कोलैटरल कौन लोन ले रहा है, आरबीआई लोन ले रही है किससे, बैंक से, ठीक है, कोलैटरल जीसेक, देन शॉर्ट टर्म के लिए, एंड ऑलवेज लेस देन योर रेपो। क्या हो रहा है, अगर इन्फ्लेशन है, क्या है, इन्फ्लेशन है, इफ इन्फ्लेशन इज देयर तो भी क्या करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिवर्स रेपो को इंक्रीज करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं तो हम लोगों को ये लगता है कि रेपो को तो इंक्रीज कर रहा है तो रिवर्स रेपो, क्योंकि उल्टा तो रिवर्स रेपो को डिक्रीज करना चाहिए, ऐसा नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। प्रीलिम्स में यूपीएससी ने एक बार रिवर्स रेपो पर क्वेश्चन पूछा था सीधा कि रिवर्स रेपो अगर बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन पर क्या असर पड़ेगा, तो इसलिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इन्फ्लेशन है तो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिवर्स रेपो को बढ़ा रहा है, तो भी क्या कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिवर्स रेपो को बढ़ा रहा है, सो दैट बैंक शुड पार्क मोर फंड्स विद आरबीआई, मोर फंड्स विद आरबीआई। तो ऐसे में क्या होगा, बैंक्स ज्यादा से ज्यादा अपने फंड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही देंगे कि लो आप लोन लो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हो, आप ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हो। तो फाइनली क्या होगा, फाइनली आम जनता के पास लोन क्या होगा, लोन की कमी हो जाएगी, आम जनता लोन ले ही नहीं पाएगी, क्योंकि सारे के सारे फंड्स जो बैंक्स के पास थे वो तो उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लोन में दे दिए, सारे फंड्स तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चले गए लोन्स में। तो फाइनली क्या होगा, आम जनता के पास लोन होंगे ही नहीं, लोन बचेंगे ही नहीं, और जिसके चलते क्या होगा, लेस फंड्स विद द पब्लिक। अगर पब्लिक के पास पैसे कम है, क्योंकि उनको लोन नहीं मिल रहा, तो पैसे कम है तो डिमांड कम होगी, लेस डिमांड, और अगर डिमांड कम है तो फाइनली कंजम्पशन कम होगा, कंजम्पशन कम है तो इन्फ्लेशन क्या होगा, अपने आप रिड्यूस करना शुरू करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये फंडा क्लियर नहीं है, ये फंडा क्लियर नहीं है, तो प्रीलिम्स में आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसके रिवर्स रेपो के। यूपीएससी ने 2019 एंड 2020 प्रीलिम्स में सीधा यहां से ऐसे क्वेश्चन दिया था कि रिवर्स रेपो से क्या चीज होगी, क्या रिवर्स रेपो बढ़ाना चाहिए घटाना चाहिए, किसको कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन। तो आपको पता रहना चाहिए, अगर इन्फ्लेशन है, महंगाई है ज्यादा, तो इवन क्या होगा, रेपो भी बढ़ाएंगे और रिवर्स रेपो को भी बढ़ा दिया जाएगा, दोनों से ही इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। और अगर रिसेशन है, इफ रिसेशन इज देयर मंदी है, तो क्या किया जाएगा, रिवर्स रेपो विल बी डिक्रीज्ड, रिवर्स रेपो को क्या किया जाएगा, डिक्रीज कर दिया जाएगा, रिवर्स रेपो को
घटा दिया जाएगा. देन अगेन कंजम्पशन एंड डिमांड इन द इकोनॉमी विल स्टार्ट राइजिंग. कंजम्पशन एंड डिमांड क्या होंगे? बढ़ेंगे. कंजम्पशन एंड डिमांड बढ़ेंगे. तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रिसेशन. तो अगेन रिवर्स रेपो को क्या किया जाएगा? घटा दिया जाएगा. वहां पर भी हमने देखा था रेपो को घटाया जा रहा था अगर रिसेशन है. सेम कंसेप्ट यहां पर रिवर्स रेपो में भी क्या किया जा रहा है? घटाया जा रहा है अगर रिसेशन चल रहा है. तो ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा. ठीक है, प्रीलिम्स में यहां पर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है रेपो रिवर्स रेपो. तो अगर आरबीआई ने कल को बोला कि हम 5% कर रहे हैं रेपो, हम 5% कर रहे हैं रेपो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो रिवर्स रेपो है वो भी बढ़ जाएगा, 4.35% हो जाएगा. तो वो दोनों आपस में लिंक रहते हैं, रेपो एंड रिवर्स रेपो. तो रेपो से रिवर्स रेपो केवल 65 basis points यानी कि 0.65% कम चलता है. तो ऐसा नहीं होगा आरबीआई बोले कि मैंने रेपो बढ़ा दिया और रिवर्स रेपो कम कर दिया, वैसे नहीं होगा. अगर रेपो बढ़ रहा है तो रिवर्स रेपो बढ़ेगा, रेपो घट रहा है तो रिवर्स रेपो भी घटेगा. वो दोनों ही आपस में लिंक होते हैं. अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो जाएगा तो क्या होगा? डिमांड नहीं बढ़ेगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी तो कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, और कंजम्पशन अगर नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? आपका फाइनली इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, फाइनली इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा. अच्छा, लेकिन अगर आप यहां पर बोल रहे हो कि अगर रिसेशन है, रिवर्स रेपो आपने घटा भी दिया, लेकिन अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट हाई है, तो हाँ तब तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर रिसेशन ही रहेगा. तो इसलिए बैंक्स को भी अपने इंटरेस्ट रेट घटाने पड़ेंगे, बैंक्स को भी अपने इंटरेस्ट रेट घटाने पड़ेंगे.